आजादी से 62 साल पहले 1885 में स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एओ ह्यूम को जीवित रहते कभी पार्टी के संस्थापक का दर्जा नहीं दिया गया था। 1912 में उनकी मौत के बाद एओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने की, लेकिन पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी। और वीडियो के अंत में सोवियत संघ की स्थापना के बारे में एक नजर जरूर डालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सकें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ ये था कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा गदर मचा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसे फिर कभी हालात बने, तो उन्होंने प्लानिंग की कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहां हिंदुस्तानी अपनी भड़ास निकाल सके। इसके अलावा इसी मंच के तहत जो विरोध प्रदर्शन करना है वो भी कर सके। इस काम के लिए एओ ह्यूम को चुना गया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भले ही एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष भारतीय ही थे। पार्टी के पहले अध्यक्ष कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पार्टी का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन उस वक्त वहां हैजा फैला हुआ था, इस वजह से इसे बम्बई में किया गया। इसमें 78 सदस्यों की मौजूदगी में व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ और इससे ही कांग्रेस को नई पहचान मिली। कांग्रेस ने बंटवारे का खुलकर विरोध किया, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू ही किए थे और इसमें फूट पड़ गई। दो धड़े हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल चाहता था कि आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रखा जाए, जबकि नरम दल खुलकर अंग्रेजों की बगावत करने के खिलाफ था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी जी राजनीति में आए। उसके बाद बस कांग्रेस का मतलब गांधी ही हो गया। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई आंदोलन किए, मसलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कांग्रेस की लोकप्रियता ही थी कि उस गुलाम भारत में भी पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे और 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक। 1885 में बनी कांग्रेस पार्टी के अब तक 88 अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से 18 अध्यक्ष आजादी के बाद बने हैं। आजादी के बाद इन 73 सालों में से 38 साल नेहरू गांधी परिवार ही पार्टी का अध्यक्ष रहा है, जबकि 35 साल गैर नेहरू गांधी परिवार ने कमान संभाली है। आजादी के बाद 1951 से लेकर 1954 तक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। उनके बाद 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी, फिर 1978 से 1984 तक इंदिरा दोबारा अध्यक्ष रही। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 से 1991 तक राजीव गांधी अध्यक्ष बने। राजीव गांधी की मौत के 7 साल बाद 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, जो 2017 तक इस पर रही। उसके बाद राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अगस्त 2019 से सोनिया गांधी दोबारा अध्यक्ष बनी। राहुल दिसंबर 2017 से अगस्त 2019 तक अध्यक्ष रहे थे। और अंत में बात करते हैं सोवियत संघ की स्थापना के बारे में। 1922 में लेनिन ने आसपास के 14 राज्यों को रूस में मिलाया और आधिकारिक रूप से यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। मॉस्को इसकी राजधानी बनी। व्लादिमीर लेनिन इसके प्रमुख थे। जार की तानाशाही के बाद इसे लोकतंत्र की स्थापना में उठाया गया कदम माना गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर नए तरह के तानाशाही शासन की शुरुआत हुई। स्टालिन इस तानाशाही सत्ता का सबसे बड़ा नाम बने। करीब 69 साल के अपने अस्तित्व के दौरान इस सोवियत संघ ने हिटलर को मात दी। अमेरिका के साथ शीत युद्ध के दौरान दुनिया ने दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ देखी।
1985 में गोरबाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने तो उन्होंने सुधार कार्यक्रम शुरू किया क्योंकि उनके पास एक खराब अर्थव्यवस्था और एक अक्षम राजनीतिक ढांचा था। इन्हीं सुधारों का नतीजा रहा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके बाद यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, लिथुआनिया, लात्विया और इस्टोनिया के साथ रूस अस्तित्व में आया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब नंबर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।